वेलकम टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। अगर मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सीक्रेट टिप शेयर करने जा रही हूँ। कैसा सीक्रेट? टॉपर्स का सीक्रेट। कई बार आप लोगों के जब मार्क्स आते होंगे, आपकी क्लास में जो टॉप करता है, आप सोचते होंगे यार इसके 100 आउट ऑफ 100 कैसे आ गए, इसकी 100 आउट ऑफ 99 कैसे आ गए, इसकी 99 परसेंटेज कैसे आई, इसने स्कूल में टॉप कैसे किया। वो लोग डिफरेंट नहीं होते हैं, दे आर लाइक यू ओनली। उनकी स्ट्रैटेजी डिफरेंट होती है। आज हम उसी स्ट्रैटेजी पे बात करेंगे। आज मैं आपको वही सीक्रेट शेयर करूंगी। ओनली 3 सीक्रेट्स हैं जिससे आप भी टॉप कर पाएंगे, आप भी उनकी तरह बन पाएंगे। उनमें कोई और मैकेनिज्म नहीं है, उनमें कोई और मशीन नहीं है। दे आर नॉट रोबोट, दे आर लाइक ह्यूमन ओनली। ठीक है, चलिए तो देखते हैं टॉपर्स के क्या क्या सीक्रेट टिप है। आपको एक टीचर बहुत अच्छे से बता सकता है, क्योंकि टीचर कीप्स एन आई ऑन एवरी स्टूडेंट। टीचर नोज द साइकोलॉजी ऑफ एवरी स्टूडेंट। टीचर नोज द करिकुलम ऑफ एवरी स्कूल, एवरी चाइल्ड एंड एवरी बॉडी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या सीक्रेट टिप है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टिप जो बहुत से बच्चे मिस कर देते हैं, इट इज अर्ली स्टार्ट। अर्ली स्टार्ट मतलब जब से आपका सेशन शुरू हो, जब से आपको आपका करिकुलम पता चले, जब से आप नई क्लास में आए तब से ही शुरू हो जाना है। ये नहीं कि अरे यार एग्जाम आएंगे तब देखेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। बस इसी में क्या होता है, टाइम वेस्टेड विल नेवर कम्स बैक। टाइम एक बार गया गया, ठीक है, आपका टाइम मिस हो गया, आप कुछ भी नहीं कर पाए। फिर क्या, फिर जब एग्जाम आने लगते हैं हसल बसल में आप करते हैं, अरे अब मैं क्या पढ़ूं कैसे करूं, आपको टेंशन होने लगती है, डिप्रेशन में आ जाते हैं कुछ बच्चे। दैट शुड नॉट बी देयर। आपको अर्ली स्टार्ट करना है, भले ही आप एक एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर का एक एक पेज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ट्राई फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर आप शुरू से भी ऐसे एक एक पेज करके पढ़ेंगे तो आप पूरे एक साल में पूरी बुक कर लेंगे। ठीक है, नाउ अर्ली स्टार्ट मतलब आपको शुरू से ही टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक, नाउ नेक्स्ट सेकंड क्या है, मेक योर ओन नोट्स। मेक योर ओन नोट्स, उससे क्या होता है, जब आप नोट्स बनाते हैं आप क्या करते हैं, आप चैप्टर में से पढ़ते हैं पूरा, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं उनको अंडरलाइन करते जाइए, फिर उनको लिखना शुरू कीजिए। आपने जब एक बार पढ़ा, एक बार अंडरलाइन किया, आपने लिखा, आपको आधा तो वैसे ही मेमोराइज हो गया, फिर जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत ईजिली याद हो जाएगा। आप करके देखिएगा, ये जादुई टिप्स है, टॉपर्स यही करते हैं। मेरी बात मानिए, एक बार करके देखिए, आप अपने रिजल्ट में चेंजेस देखेंगे। ठीक है, 2 टिप पता चल गई, टाइम वेस्ट नहीं करना, शुरू से शुरू हो जाना, अभी भी कुछ नहीं गया है। ठीक है, नाउ नोट्स बनाने हैं, आप डेली डेली एक एक दो दो पेज पढ़ पढ़ के उनके नोट्स फटाफट फटाफट बनाइए, आपको वो मेमोराइज हो जाएंगे, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। ठीक है, नाउ थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडीइंग। ठीक है, यानी कि आज पढ़ लिए 4 दिन आराम, कि आज मैं बहुत पढ़ लिया अब नहीं करूंगा, आप भले ही 1 घंटा पढ़े लेकिन रोज पढ़िए। मैम के चैनल पे डेली वीडियो आता है, मैम हैज मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ वीडियोस। ठीक है, तो कंसिस्टेंस मींस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज। डेली एक टाइम बनाइए, उस टाइम पे पढ़िए और अपना एक शेड्यूल मेंटेन रखिए। ये नहीं कि आज फेस्टिवल है तो आज नहीं करूंगा, आज मेरे फ्रेंड की बर्थडे है आज नहीं पढ़ूंगा, आज मैं बहुत थका हूं आज नहीं पढ़ूंगा, आज मेरा मूड खराब है आज नहीं पढ़ूंगा। दिस शुड नॉट बी देयर, यू शुड बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर स्टडी शेड्यूल। ठीक है, ये 3 टिप्स आप एक बार फॉलो करके देखिए, जरूर फायदा होगा। प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा, आज मैंने आपको बहुत ही मैजिकल सीक्रेट टिप्स शेयर किए हैं। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।